मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार शांति वार्ता के लिए काम कर रही है और इसे लेकर असम के सिलचर में कई बैठकें भी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, हम विधायकों और अन्य सदस्यों की सहायता से शांति वार्ता के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। सिलचर में बैठकें हुई हैं और जल्द ही इस संबंध में घोषणा करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने बैठकों में शामिल लोगों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। राज्य में जारी हिंसा को सीएम ने अवांछित और अप्रत्याशित करार दिया और कहा कि गिरफ्तारी या अन्य सख्त कदम उठाने से कानून की स्थिति बिगड़ सकती है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आरोप लगाया कि मणिपुर हिंसा का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिससे हालात मुश्किल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो राजनीति कर रहे हैं, मैं सभी को ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने की अपील करता हूं। कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह ने राज्य में 38,000 से अधिक सशस्त्र बलों की मौजूदगी के बावजूद हिंसा होने पर सवाल उठाया तो सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा हिंसा की जांच की जा रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि हिंसा किन खामियों की वजह से हुई और जांच के बाद हिंसा के लिए जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा, अब तक हिंसा में 226 लोग मारे जा चुके हैं। भीड़ के चलते दोषियों को गिरफ्तार करने में परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।